भाजपा के विकास से तो देश नाराज है। ठीक है, एक क्या कहता है ना कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है वो गेटवे टू यूपी है, एक बात। दूसरी बात यह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो चुनाव होता है शुरुआत में ही, वही चुनावी एजेंडा सेट कर देता है। पॉलिटिकल नैरेटिव यहीं से सेट होता है, पॉलिटिकल पोस्चरिंग यहीं से सेट होती है, पॉलिटिकल टोकनिज्म यहीं से सेट होता है, पॉलिटिक्स का सिंबोलिज्म यहीं से सेट होता है। अगर ये सेट होने जा रहा है, लोगों के दिल में क्या चल रहा है, लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है, और ये 8 सीटों की जो राजनीति है, 8 सीटों की पॉलिटिक्स, असल में इसकी दिशा और दशा क्या है? राशिद, आपने सही बोला है। देखिए, यूपी को माना जाता है, लेकिन पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में फर्क है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे ना, जो वोटर्स हैं उनकी सारी सामाजिक स्थिति, धार्मिक आर्थिक देखिए, बड़ा क्लोज फाइट रहता है। आप देख लीजिए पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है इन टर्म्स ऑफ वोटिंग एंड पॉलिटिक्स। तो अब की बार यहाँ पे होगा क्या, देखिए मैं आपको बता दूँ, कुछ सिम्टम्स ऐसे हैं जिनको पकड़ने की कोशिश करते हैं। पिछली बार जो माहौल था वो बड़ा डिफरेंट था 2014 में। पिछली बार बीजेपी ने जो क्लीन स्वीप किया या बहुत जबरदस्त विक्ट्री ली, उसके पीछे एक रीजन ये था कि 10 साल की जो कमियां थी तो इनको कम मेहनत करना पड़ा, रिजल्ट बहुत अच्छा आ गया। अब चूंकि आपने 5 साल शासन कर लिया है, तो भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में हर आदमी को आप खुश नहीं कर सकते हो, अपने मैनिफेस्टो के हिसाब से सारी चीजें डिलीवर नहीं कर सकते हो, कुछ ना कुछ लोग नाराज होंगे। पिछली बार लोगों ने एक विकल्प को चुना था इन कंपैरिजन ऑफ कांग्रेस प्लस, क्योंकि लोग ऊब गए थे तो उनको बीजेपी प्लस का विकल्प मिला। अब की बार लोगों को विकल्प 2 चुनना है, कि बीजेपी को ही लाया जाए कि कुछ और लाया जाए बीजेपी की जगह। यहाँ पे वेस्टर्न यूपी में गेम होगा। गेम ये होगा कि कुछ चीजें ऐसी हुई हैं, देखिए बीजेपी को जो बढ़त मिली वो मुश्किल से 2-4% ऐसे वोटर होते हैं जो कि शिफ्ट करते हैं हमेशा इस पार्टी से उस पार्टी में, और वही क्लीन स्वीप विक्ट्री या डिफीट को डिफाइन करते हैं। तो ये जो 2-4% है, इतने लोग तो नाराज होते ही होते हैं। इसीलिए मैं बोलता हूँ 8 के 8 जो बीजेपी को मिले थे, मुझे ये लगता है कि अब की बार ये थोड़ा मुश्किल है। उसके पीछे लॉजिक नंबर 1 है, एक नेचुरल आप ये देखिए, जो इन लोगों ने गठबंधन किया है यही एक बहुत सूझबूझ का काम है। ये अपने आप में एक बहुत स्ट्रांग जो है फैक्टर है। अगर सारी चीजों, इसकी ताकत बहुत ज्यादा है, बीजेपी को ये भेदना बड़ा मुश्किल लग रहा है। और उसके पीछे रीजन है क्यों बीजेपी, कांग्रेस के बारे में भी बोलूंगा, यूपी में अब की बार उतना एक्टिव नहीं है। आप देखिए बंगाल में ये ज्यादा एक्टिव है, उड़ीसा में ज्यादा एक्टिव है, वेस्टर्न यूपी इतनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, 8 सीट इन्होंने पिछली बार अपनी प्रतिष्ठा के लिए जो है इन्होंने नाक की लड़ाई बना ली थी। उतना फोकस मुझे नहीं दिख रहा है। शायद बीजेपी भी कहीं समझती होगी कि 8 के 8 छोड़ो, 8 में 4 मिल जाए, 5 मिल जाए, ये सिचुएशन होने वाली है। राजनीतिक विश्लेषक एके मिश्रा का मैं रुख करूंगी। एके, जरा बताइए, अगर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, 8 का 8 क्या कहता है, कितनी टफ फाइट है और रुझान किस तरफ लोगों का ज्यादा नजर आ रहा है? चिराग तले अंधेरा यहाँ वेस्टर्न यूपी में हो रहा है, जिसके लिए उन्होंने जी जान लगा दिया था, खुद ये फोकस नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस का भी वही हाल है। कांग्रेस का तो खैर उनका टारगेट ही कुछ और है, उनकी मंशा ही कुछ और है, स्ट्रेटजी प्लान ही कुछ और है। ठीक है, सवाल ये है कि मैं बीजेपी की अगर बात करूं, देखिए बीजेपी ने प्लान बहुत अच्छे तरीके से किया है। उनको पता है कि अब की बार यूपी में टारगेट भले ही हो 73-74 जितना भी ले ले, लेकिन उनको ये लगता है कि यूपी में अब की बार हमें लॉस होगा, और ये नेचुरल वियर एंड टीयर है, क्योंकि कुछ ना कुछ लोग नाराज होते हैं, इसलिए उन्होंने फोकस किया। बंगाल वगैरह दूसरे जगहों पे उन्होंने ऑप्शन देखा हुआ है। मैं ये मानता हूं 2-3 रीजन ऐसे हैं जो इनका गठबंधन बना हुआ है, नेचुरल वियर एंड टीयर के कारण जो नेचुरल लॉस होता है किसी पार्टी को, जो डैमेज होता है 5 साल में वादा पूरा न करना कर पाने पे लोगों को उनकी असलियत पता चल जाती है। इसमें 2 ही तरीके के डैमेज है। मान लीजिए 8 के 8 है, पिछली बार 8 के 8 थे, अब की बार 8 सीटें ना आए, ठीक है ज्यादा आए कम आए वो डिफरेंट चीज है। दूसरी चीज और हो सकती है, अगर मान लीजिए बेस्ट और वर्स्ट की हम करें, तो हो सकता है अब की बार ये होना कि मार्जिन कंपटीशन इतना टाइट हो जाए कि मार्जिन श्रिंक कर जाए। जहां इन्होंने ग्रैंड विक्ट्री ली थी वहां पता चला बहुत मार्जिनल वोटों से विक्ट्री हो। आपको ये लग रहा है कि जो मार्जिन होगा वो श्रिंक हो भी सकता है, इस तरह का इशारा भी आ रहा है। जबरदस्त श्रिंक हो सकता है, जबरदस्त तरीके से श्रिंक।